ये देखो। क्या हुआ? हाँ हाँ कैमरा है, कैमरा है। कि ऐसी जो अपनी बछड़ी हो गई, जैसे रुक्मणी हो गई, पार्वती हो गई, अपनी गोपी हो गई, जो अभी बड़ी हो रही है ना बछड़ियाँ, लाडो हो गई, झालर हो गई, तो इन सारी बछड़ियों को हम थोड़ा सा अलग रखने का सोच रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर चॉइस के एक और जबरदस्त व्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है राम परमार और पीछे देख रहे हैं हमारे गिर गाय का फार्म। भाई आप सुबह सुबह के अपने फार्म पे व्यू देखो, हमारी सारी बछड़ियाँ यहाँ पे भाई आराम कर रही है और हमारी सारी गैया खाने में लगी हुई है। और भाई इस साइड है ना इतना पानी निकल चुका है, वो भैया टब भरने के लिए उन्होंने मोटर चालू की थी और बंद करना भूल गए, तो भाई यहाँ तक पानी भर चुका है। और हम चलने वाले हैं पहले तो अपने बछड़ियों के पास में। अरे भाई हमारी रुक्मणी तो पहले ही आ चुकी है, मुझे अंदर नहीं आने देती, उसके पहले वो मेरे पास में आ जाती है। यहाँ पे देखो हमारी सारी प्यारी प्यारी बछड़ियाँ यहाँ पे बैठी हुई है। भाई 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 आप देखो रुक्मणी तो मेरे पास में आ जाती है यार, जब भी मैं गेट खोलता हूँ ना हमेशा मेरे पास में आ जाती है। और मेरे सामने कौन खड़ी है पता है आपको? कौन खड़ी है? हमारी प्यारी सी मीरा। आप देखो क्या हाल है मीरा, मीरा मीरा देखो देखो। थोड़ा डरना वरना उसने कम किया है। यहाँ पे देख लो हमारी गीता बैठी हुई है, हमारी लक्ष्मी बैठी हुई है और मेरे पास में आने लग रही है पार्वती, ये देखो। और हमारी गोपी तो भाई उसी साइड में पता नहीं किसको देख रही। गोपी 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 ये देखो, आ पार्वती आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सारी बछड़ियाँ देखो मेरे पीछे आ चुकी है। और हमारी लाडो कहाँ पे पता है? वो रही लाडो वहाँ पे सामने, और शायद उसे उस तरफ जाना है क्या लाडो, क्योंकि एक दो बार वो उस साइड चली गई है बड़ी गैयाओं के साथ में। अरे अरे हाथ पकड़ लिया, छोड़ो। नहीं हाथ नहीं पकड़ना यार, हाथ नहीं पकड़ना। और हमारी प्यारी सी मीरा आप देखो, हाँ कितनी प्यारी है मीरा मीरा। अरे यार रस्सी टाइट हो गई क्या ज़्यादा मीरा की? अरे नहीं अच्छा ऊपर चली गई है, अच्छा इसकी वजह से हुआ है। अब ढीली हो गई है मीरा, देखो हाँ कितनी प्यारी बछड़ी हमारी मीरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ क्या हुआ? तो ये अभी है ना सब के सब उड़ जाएगी और हम फिलहाल, अरे पाँव बच गया, तो हम फिलहाल अभी इस साइड में हमारी सारी गैयाओं को मैं आपको दिखाता हूँ। देखो राधी का हो गई हमारी, इधर काबरी जा रही है और इधर आप देख लो हमारी काजल को देख लो। और ये जो नया वाला बछड़ा अभी अपने फार्म पे इस गाय के साथ में आया यार, ये गाय हमेशा यहीं पे फिक्स अकेली एक ही साइड बैठी रहती है और इसका बछड़ा इससे थोड़ा सा दूर रहता है हमेशा की साइड में आप देखो। और इधर आप देखो हाँ सारी गैयाँ कैसे लाइन से खाने में लगी हुई सारी की सारी। आप देखो अगर ये काजल और एक ये बछड़ी हट जाए तो सारी की सारी गैयाँ आपको दिखे। यहाँ पे हमारा अर्जुन ये रहा, हमारा भीम बुल ये रहा। और भाई कैसे आप देखो ना मेरे पीछे कैसे लाइन से सबके सब खड़े हैं आप देखो यहाँ पे। तो ये है ना अभी हम पीछे की जो ये वाली जगह है इसको भी थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, जहाँ पर हमारी गैयाँ चरने के लिए आती ना वो जगह हम थोड़ी सी अलग करेंगे। और यहाँ पे देखो ये कलर पैटर्न भी बहुत यूनिक लगता है यार, बहुत प्यारा लगता है। अगर ऐसे रिजल्ट अपने फार्म पे आए ना तो और भी ज़्यादा मज़े अपने फार्म पे आएंगे। ये देखो लाडो डर रही है और इधर हमारी प्यारी गायत्री बैठी हुई है बहुत सारी बछड़ियों को लेके। उधर काबरी वहाँ से आ चुकी। अरे क्या बात है यार, मीरा मेरे पास में आ रही है। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो उसकी माँ को देख रही है। देखो उसे उसकी माँ के पास में जाना है। और उधर से हमारी सुरभी भी आ चुकी है और इधर हमारी, अरे क्या हुआ रुक्मणी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या चाहिए? हाँ बोलो रुक्मणी क्या चाहिए? ये देखो रुक्मणी रुक्मणी। तो अपनी जो रुक्मणी है वो है ना अभी इन सारे बछड़ों में सबसे बड़ी है, मतलब अगर आप देखोगे ना तो सबसे बड़ी अपनी रुक्मणी है। और थोड़े टाइम के बाद में ना इन सबको भी हम अलग करेंगे। यार दोस्तों जब मैंने अपने पापा से बात की थी ना तब मुझे पता चला है कि पापा ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसी जो अपनी बछड़ी हो गई, जैसे रुक्मणी हो गई, पार्वती हो गई, अपनी गोपी हो गई, जो भी बड़ी हो रही है ना बछड़ियाँ, लाडो हो गई, झालर हो गई, तो इन सारी बछड़ियों को हम थोड़ा सा अलग रखने का सोच रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको पता है ना हम वर्मी कंपोस्ट के लिए 3 जाली के बंडल लेके आए ना, उनमें से एक बंडल का हम यूज़ करने वाले हैं इन बछड़ियों को अलग रखने के लिए। हाँ भाई, और उसी इन्हीं बछड़ियों के बीच में हम अपने बगलिनों को भी रख सकते हैं। तो मैंने भी सोचा यार आइडिया अच्छा है, क्योंकि बछड़ियों के साथ में अगर एक बछड़े को रखेंगे तो भाई बछड़ा भी जल्दी तैयार होगा और हमारी बछड़िया भी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देखो अभी ये मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों अब मुझे है ना मेन सवाल तो ये आ रहा है यार, देखो फार्म पे आपने जगह देख रखी है कि कहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब थोड़ी सी जगह का मुझे सोचना पड़ेगा कि हम बछड़ियों को कहाँ पे शिफ्ट करें। अरे यार अब देखो है ना, अब ये जगह तो हमारे बछड़ों के लिए है, इसमें तो हम अपनी बछड़ियों को नहीं रख सकते हैं। अरे मीरा क्या हुआ है, कहाँ पे चलना है? मीरा देखो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। इसका नाम रख दिया ना मैंने यार, इसलिए वो खुश हो रही है कि अभी तक मेरा नाम नहीं रख रहे थे ना, अब आपने मेरा नाम रख लिया है तो मैं आपको। अरे भाई यार कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। मतलब मीरा, अरे यार पार्वती, अरे पार्वती क्या सॉरी रुक्मणी, यार रुक्मणी ने मीरा को डरा दिया यार, नहीं तो मीरा मेरे पास में अभी रुक जाती यार। रुक्मणी नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। मैं फिर से उसको आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं यार वो ऐसे नहीं आएगी, उसके पास मुझे जाना पड़ेगा। आ जाओ, ये देखो क्या हुआ? हाँ हाँ कैमरा है, कैमरा है, कुछ भी नहीं है। तो अब ऐसे कर करके ये सेट हो जाएगी। अब है ना, अब हम मेन बात करते हैं, चलो फटाफट से जगह के बारे में। तो देखो अपने पास में ये जगह है, इस साइड में कुछ कर सकते हैं क्या यार? यार अगर इस साइड में कुछ करना पड़े तो ये प्याव हटाना पड़ेगा और बाकी हमारी गैयाओं के लिए जगह कम पड़ेगी, तो ये आइडिया तो अभी हम नहीं कर सकते क्या। अरे क्या हो गया यार पार्वती, क्या हो गया? ये देखो डरती भी कितनी ज़्यादा है। हाँ थोड़ा सा उसको बोल दिया तो डरने भी लग गई है। ये सब तो यहाँ पे आराम करने लग रहे हैं। तो हम बात करते हैं अब मेन जगह के बारे में। चलो ये गेट लगाता हूँ मैं, नहीं तो अभी एक्सरसाइज करा देंगे मेरे सारे बछड़े मेरी। तो देखो अभी फार्म पे है ना, कहाँ कहाँ पर कितनी जगह है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई इस साइड तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इधर अपने खेती बाड़ी की जो चीज़ें रहती है वो पड़ी हुई रहती है और इधर कुछ खास जगह भी नहीं है। उस साइड में बाउंड्री अपनी नहीं है, यहाँ पे अपनी बाउंड्री आ चुकी है, वो खेत दूसरे का है। उस साइड में आप देख लो, उस साइड में भी कोई खास जगह नहीं है। अब अपने पास में मेन जगह कहाँ कहाँ पे है? एक तो ये वाली जगह है जहाँ पर अपन वर्मी कंपोस्ट का सोच रहे थे कि यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट अपन डाल सकते हैं। हाँ ये यूनिट अपना डालने का है। सही दूसरी इस साइड में आप जगह देखो, हालांकि यहाँ पे भी हम करने का सोच सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा शेड या कुछ ऐसी सी छोटी सी बाउंड्री बना दें। अब शेड तो बना ही हुआ है, बाउंड्री बनानी है सिर्फ। तो ये वाली जगह है जहाँ पे हम अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से ये जाली और यहाँ से ये जाली, तो मतलब हमें सिर्फ दो साइड बाउंड्री करनी रहेगी और इतनी जगह यहाँ पे है लगभग। अगर एक आप चद्दर देखोगे तो 20 फीट का ये चद्दर है, तो 20 फीट में हम ये बना सकते हैं जगह। पर फिर ये हो सकता है, एक दिक्कत है इसमें कि इस साइड से आने वाली जगह पूरी बंद हो जाएगी, मतलब इस साइड से कोई भी नहीं, इस साइड नहीं आ सकता है। तो इस साइड में से खेतों के साइड जाने का रास्ता भी है, उधर हमारी बोरवेल है जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना। तो अब ये दिक्कत है, पर हाँ जगह अभी सिर्फ यही है जहाँ पे हम बना सकते हैं। और इसमें ना इतना आसान नहीं है बनाना, क्योंकि पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी और इनके लिए खाने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये दो चीज़ें करनी पड़ेगी तभी जाके होगा। पर छाँव तो यहाँ पे अच्छी है, छाँव के लिए हो सकता है। और ये एक जगह है, हालांकि भाई ये तो बहुत बड़ी जगह है, अब यहाँ पे कुछ भी करने जाएंगे ना तो हमें यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि है ना भाई यहाँ पे हमें अलग से एंगल गाड़ने पड़ेंगे, फिर जगह व्यवस्थित करनी पड़ेगी। अब बाकी दोस्तों आप सोच के बताना थोड़ा सा कि हमें कहाँ पर बनाना चाहिए, यहाँ पर बनाएँ या फिर वही जगह जहाँ पर मैंने बताया है वहाँ पर बनाएँ। तो आप वो कमेंट में बताना भाई प्लीज। दोस्तों अभी हम देखने के लिए चल रहे हैं अपने फार्म पे वो जगह जहां पर हम अपनी गैयाओं के लिए हरा चारा लगाने वाले हैं। हाँ भाई अभी आपको पता है ना ठंड का सीजन आने वाला है, तो हमें अभी चारा लगाना बहुत ही जरूरी है अपने फार्म पे। तो अभी हम चलेंगे इस साइड में और यहाँ पे इस वाले खेत में हम अपनी गैयाओं के लिए हरा चारा लगाएंगे। वहाँ पे देखो वहाँ पे अपना मंदिर है और यहाँ पे हम अपना वो चारा लगाने वाले हैं इस वाली जगह में। और आपको पता है ना हम हर साल इसी वाली जगह पे अपने फार्म पे चारा लगाते हैं। अभी यहाँ पे चारा क्यों हम लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि है ना हम हमारी गैया को वहाँ पे चारा नहीं डालते। आपको पता है ना जहाँ पर हमारी गैया चरने के लिए जाती है वहाँ पे हम हरा चारा डालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि गैया आराम से घूम भी लेती है और उन्हें थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है। इतने हम अपने यहाँ पे फार्म पे साफ सफाई आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे ना एक तो फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे हम लगाएंगे ना तो डालने में भी पास रहेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत पास में है वहाँ पे हमारी जहाँ गैया पीछे चरने के लिए आती है। और इस वाले खेत में हम अभी से नहीं बहुत साल हो गए हम यहाँ पे ही चारा लगाते हैं और इस बार हमने इस पर पलटी पलाव कर दिया है। और अभी आप देखो मस्त इसमें रोटावेटर भी हमने घुमा दिया है और आप देखो कितना अच्छे से ये खेत हो चुका है। बस दोस्तों अब हमें अपना बरछी का बीज लाना है और यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर कुछ समय के बाद में भाई आपको हरियाली हरियाली देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज फार्म पे सारा काम निपटा के अभी मैं आ चुका हूँ आराम से अपने फार्म पे। यहाँ पे आप देखो सारी गैया कुछ इधर घूम रही है और यहाँ पे देखो हमारी सुमन यहाँ पे बैठी हुई है। हमारी प्यारी प्यारी दो तीन गैया आप देख लो, ये यहाँ पे आराम कर रही है। और इधर है ना यार वो उठ के वहाँ पे क्यों चली गई। और यहाँ पे ना मैंने देखा लाइटिंग बहुत प्यारी आ रही है सिर्फ इस एक ट्यूबलाइट की वजह से भाई। तो अब मुझे लग रहा है ना ऐसी ट्यूबलाइट मुझे सब अपने फार्म पे उसमें लगानी पड़ेगी। जहाँ जहाँ पर बल्ब है ना बल्ब को इससे चेंज कर दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को क्वालिटी अच्छी देखने को मिले रात में भी भाई फार्म पे। तो दोस्तों अब करते हैं मेन बात, आज फार्म पे हमने क्या क्या काम किया। तो देखो आज हमने एक काम अपना निपटा लिया है। सुबह मैंने आपको बताया था जैसे इस वाले व्लॉग में कि हम अपनी गायों के लिए बरछी लगाने का सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आज हमने इस मशीन से यहाँ पे पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। अब सुबह सिर्फ हमें कन यहाँ पे लगाना रहेगा। और दोस्तों ये क्लिप में आवाज़ इसलिए नहीं आ रही, पता नहीं कुछ आवाज़ का ग्लिच हो गया, माइक में कुछ दिक्कत आ गई थी भाई। बहुत सारी चीज़ें रहती है इसमें भी, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और यहाँ पे देखो हमारी सारी गैया आराम कर रही है और इन्हें मैं मस्ती से देख रहा हूँ। यहाँ पे देखो यार ये भी है ना हमारी सुमन जैसी हो गई, आप देख लो। हाँ कैसी लग रही, बिल्कुल सुमन जैसी। और सुमन तो ये रही यहाँ पे भाई, आप देखो। हाँ कलर अभी मैं कुछ देर में मतलब मैं खुद इसमें कन्फ्यूज़ हो गया था। देखो सुमन वो रही और ये रही सुरभी भाई। भाई भाई मतलब क्या कलर पैटर्न है यार, उसका थोड़ा सा वाइट है और इसका थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा येल्लो पैटर्न है इस तरीके से। और ये देखो गुन्नू तो हमारी मस्ती से बैठी हुई यहाँ पे। यहाँ पे हमारी सुमन बहुत आराम कर रही है। सुमन जल्दी हमारे फार्म पे बच्चा देने वाली है सुमन, ये देखो। और इधर हमारी प्यारी गायत्री, अभी ये है ना सबके सब खुली है भाई, इनके लिए ना इतनी जगह है यहाँ पे। देखो कैसे राजा महाराजाओं की तरह बैठते हैं सबके सब। ये देखो इधर ये तीन चार गैया, ऊपर पंखा वंखा चल रहा है इनके हिसाब से, जहाँ पे इन्हें बैठना रहता है ना, कितनी ठंडी चाहिए कितनी गर्मी चाहिए उसके हिसाब से। बाकी यहाँ पे इसको शायद पंखा वंखे की ज़रूरत नहीं है तो ये यहाँ पे बैठ गई है। और इधर हमारे बगलीनो हो गया, इधर हमारी ये गाय हो गई, इधर इसका बछड़ा हो गया और ये हो गई। तो ये सब है ना यहाँ पे बैठे हुए आराम से, क्योंकि ये बड़ी गैयाओं से डरते हैं ना इसीलिए। और भाई यहाँ पे देखो हाँ गोबर, ये गोबर किसने कर दिया यहाँ पे यार, पता नहीं किसने किया यार ये। चलो और हमारे बछड़ों को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे चलो चलो जगा दो, ये देखो। तो हमारे सारे बछड़े यहाँ पे आप देख लो सब। अरे यार रात पड़े कौन खाता है यार, देखो है ना बच्चों का समझ में नहीं आता है, जब मन चाहे जब खा रहे हैं। बाकी हमारी गैया तो देखो यार उधर सबके सब खड़ी हुई है, एक गाय उसमें से खा रही है, बाकी तो सबके सब उधर खड़ी हुई है। और देखो मेरे पास में कौन आ चुकी है, कॉपी। ये देखो तो कॉपी आ चुकी है। और अरे यार चलो उधर ही चलते हैं, उधर ही बात करता हूँ मैं आप लोगों से, नहीं तो हमारी बछड़ियाँ उठेगी। क्या हुआ, ये देखो हमारी बहुत प्यारी बछड़ी एक यहाँ पे भी है। तो चलो दोस्तों अब आपसे कुछ बात करते हैं। जैसे आज वाले व्लॉग में हमने डिस्कस किया था कि हमें अपने फार्म पे एक जगह बनानी है जहाँ पे हम अपनी बछड़ियों को अलग रख सकें। अब वो जगह कहाँ पे हमें बनानी चाहिए उसके लिए प्लीज़ आप सजेशन देना ना भूलें। आपने दे दिया कॉमेंट में तो बहुत अच्छी बात है। और अब हमें सोचने वाली बात है, देखो अपने पास में दिन में ये जगह खाली रहती है, पर यहाँ पे रखने में एक दिक्कत ये हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है पता है, कि यहाँ पे हमें पानी के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अपने पास पानी तो रहेगा नहीं। हाँ भाई क्योंकि यहाँ पे तो हमने कोई टंकी वंकी रख नहीं रखी है, तो हमें अलग से यहाँ पे डेली पानी भरना पड़ेगा। बस भाई एक सिचुएशन हुआ है। दूसरी हरा चारे के लिए, अरे ये देखो बछड़ी आ चुकी है, बस 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 बस, अरे हाथ नहीं खाना। चलो तो हरे चारे के लिए दिक्कत ये है कि वहाँ से हमें एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ तक लाने में, ठीक है। एक ये भी हो सकता है, पर सारी जगह कंप्लीट मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि फिर हमारी बछड़ियाँ को थोड़ा कम वो मिलेगा। वहाँ पे क्या है, खुले में रहती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अलग है। यहाँ पे क्या है आप देखो, वैसे भी तो यहाँ पे भी है जालियाँ वालियाँ सारी चीज़ें हैं, हवा भी मस्त आती है दिन में अपने फार्म में इसमें। पर भाई दिक्कत यही है कि वो वहाँ पे एक वो रहता है यार, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब वहाँ पे अपन दिन भर बैठे रहते हैं, यहाँ पे दिन में कोई नहीं आता है। यहाँ पे रास्ता है, सबके सब ऐसे निकल जाते हैं, यहाँ पे कोई नहीं दिखे। वहाँ पे जाके हम थोड़ी देर बैठते हैं, तो हो सकता है देखो ये भी एक विचार हो सकता है कि अगर नई जगह मिले तो फिर हम यहाँ पर भी कर सकते हैं इन्हें शिफ्ट। पर हाँ मतलब हमेशा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि गैया जब चरने के लिए जाती तो फिर उन्हें यहाँ से निकालो, फिर वो इधर उधर भगेगी, फिर गैया के साथ में जाएगी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। पर हम देख सकते हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं, बेस्ट क्या कर सकते हैं। और देखो हमारी प्यारी बछड़ियाँ मुझसे दूर जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। और यहाँ पे अब देखो है ना ऐसी जगह होनी चाहिए वहाँ पे, मतलब है ना इतनी गैप में गैया बैठनी चाहिए अपनी, सबसे बढ़िया बात है। मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, लाइट बिगड़ जाएगी अपनी ट्यूबलाइट की। दोस्तों आप बताइए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने यार आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ लाइक शेयर करना ना भूलो, क्योंकि यार मैं आपके लिए ऐसे ही तगड़े तगड़े व्लॉग लाता रहता हूँ। और चलो मैं मिलता हूँ हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।